नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ संध्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ओरछा गेट बाहर इलाके में बदहाली का आलम यह है कि क्षेत्र की नालियों की सफाई नहीं होने से कीचड़ से बच बचा रही है, तो कहीं नालियों से बहकर कीचड़ रास्ते पर आने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। वार्डवासियों का कहना है कि साफ सफाई नियमित तौर से नहीं होती, इससे नालियों में मच्छरों का डेरा बना रहता है। ऐसे में गर्मी में मच्छरों और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में आने की भी आशंका है। खास बात यह है कि बरसात का सीजन है जिससे बीमारियां पनपती हैं। नगर निगम कर्मचारियों की उदासीनता से नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहां अतिक्रमण दस्ते द्वारा नाले से एक दुकान हटाई गई थी जिसका मलबा नाले में ही पटक दिया गया था। इसके बाद से नाले की सफाई नहीं हुई और अब बारिश में सड़कों पर जल भराव हो जाता है। दरअसल वह दुकान सरकारी नाले पर बनी थी और उसे हटाया भी इसी वजह से गया था कि जल भराव ना हो और नाले की सफाई हो पाए। अतिक्रमण हटने के बाद भी इलाके में वही हाल है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि सभी आला अधिकारी, क्षेत्र पार्षद और नगर निगम में भी वह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। झांसी के इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आने से स्मार्ट सिटी की छवि भी खराब होती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगीर हाजी है। कहाँ रहते हैं आप? बाहर ओरछा गेट कसाई मंडी के रहने वाले, वार्ड नंबर 54 में। क्या समस्या आ रही है आपके? समस्या ये है कि ये नाली की सफाई नहीं होती, इसमें इतना कीड़ा है भी कोई देख ले तो उसको नाम से पलटी हो जाए, तो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे पार्षद जी है रामा कुशवा, उससे भी कई दफ़े कह दिया कि मैडम इसमें क्या नाम से जाल डलवा दीजिए, इसकी नाली बनवा दीजिए तो ये पानी का निकास हो सके, नहीं पूरी नाली भर के चल रही है, पूरी घरों में कीड़े जा रहे हैं नालियों के द्वारा। नगर निगम के कर्मचारी कोई नहीं आते, पैसे भी देते हैं कि भैया 100-200 रुपये ले लो, इसकी सफाई कर दो। हाँ कर रहे हैं और भाग जाएंगे। आखिरी बार कब सफाई हुई थी आपके क्षेत्र में? ये आखिरी बार भई थी इस रमजानों के टाइम भई थी, तब से अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। बारिश के समय पे क्या परेशानी? बारिश के समय पे ये है कि घरों में पानी भर रहा है, इतना पानी है क्योंकि आगे वाला नाला है वो खुद के बन जाए तो ये पानी की समस्या दूर हो जाए। नगर निगम वाले आए वहाँ पर, वो दुकान गिरा के चले गए और मलबा वही नाले में डाल गए। अगर वो मलबा ही साफ हो जाता तो ये यहाँ पानी बनना बंद हो जाता मोहल्ले में। आपका? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं कसाई मंडी कुरेश नगर में। क्या परेशानी आ रही है आपके क्षेत्र में? यहाँ ये परेशानी आ रही है, घरों में पानी भर जाता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है, इतना पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। कोई सफाई अपाई नहीं हो रही, कोई कुछ हो नहीं रहा यहाँ। इसकी शिकायत आपने नगर निगम से की थी? कई बार नगर निगम आता है, बस यूँ ही खाना पूरी करके चले जाते हैं साहब। और यहाँ से अभी से दिक्कत नहीं है, सालों से दिक्कत है, कई साल हो गए हम लोगों को। हमारे घर में पूरा, यहाँ चाचा रहते हैं हमारे, यहाँ पूरा पानी, यहाँ पूरा सामान बेकार हो गया, बच्चों का सब खाने पीने का पूरा यहाँ तक पानी भरा रहा साहब। दो दिन तक हम लोग बहुत परेशान रहे, सोन बच्चे बीमार पड़ गए। सफाई के लिए कोई नहीं आता यहाँ? वैसे आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बस थोड़ा बहुत किया और चले जाते हैं, मनमाना काम करते हैं साहब। अगर कर्मचारी से आप कुछ कहो तो हटते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, भाग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान कुरैशी है। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 54 महार ओरछा गेट। क्या समस्या आ रही है क्षेत्र सर? यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी, हमारे खुद के घर में इतना पानी था कि पूरी रात भर हो गई परेशान होते हुए निकालते हुए। यहाँ पे कोई भी नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी सफाई करने के लिए राजी नहीं होता है। पहली बात तो हमने हवलदार का आज तक चेहरा नहीं देखा यहाँ पे कि कौन हवलदार ड्यूटी पे ऑन है कि नहीं है। अपने क्षेत्र के पार्षद से आपने बताया इसका? कई बार कह चुके हैं, पार्षद के घर पे जाओ वो बोलती है ठीक है, बोल दिया, आ रहे हैं जा रहे हैं, काम नहीं करता है कोई। आते सब लोग हैं, मुआयना करते, देख के भाग जाते। आपके सामने नालियों की स्थिति देख तो रहे हो आप लोग, क्या स्थिति है कि घरों में इतना पानी भर रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, गंदगी हो ही नहीं रही, सफाई हो ही नहीं रही, गंदगी से परेशान है लोग यहाँ पे। और कई बार कह चुके हैं, नगर आयुक्त साहब खुद आए थे यहाँ पे, एक बार उनने मुआयना किया, देख के चले गए, आदेश दे गए, लेकिन काम नहीं हुआ। झांसी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। The only options for better education in modern style. Moon International Public School. Smart classes, qualified and dedicated faculties, international sports academy, art and craft classes, yoga and gymnasium, music and dance classes, advanced library with smart computer lab and science lab, etc. Study your child in eco-friendly environment in Moon International Public School.
कानपुर रोड मोट झांसी। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांडा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।